ओके, पहला जवाब देगा कौन? देगा कैमरा ऑन है सबका। हाँ जी, पहला जवाब देगा हमें, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, विष्णु को। हाँ जी विष्णु, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ फर्स्ट एंड व्हाई? हाँ यस सर, फर्स्ट शुड बी आंसर डी क्या होता बेटा? कांस्टेंट होता, फर्स्ट का डी हो सर, दे गया। आर सेम। ये मैंने बताया हुआ ना सबको, ठीक है? चलो अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, हो गया। अब बारी है, सेकंड बारी है, मुझे बताएगा कौन? बताएगा दिव्यांश, बताएगा दिव्यांश। हाँ जी सेकंड, सर इसमें सी आएगा, एक्स इंटू वाई क्योंकि ये किस में है? सर इनवर्स है ये। ओके इनवर्स ऑफ एक्स वाई क्या होता बेटा? कांस्टेंट होता है। शाबाश, सर, ठीक है। अब कौन बताएगा? अब बताएगा हमें रशियल। हाँ जी रशियल, व्हाट शुड बी बी ए कैन फिनिश वर्क इन एन डेज देन पार्ट ऑफ वर्क इन वन वन डे। बाय एन तो इसको आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है? इसमें डायरेक्ट है या इनवर्स है? इसमें डायरेक्ट है, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो काम भी तो बढ़ेगा, ठीक है? तो अगर क्या कह रहा है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन एन डेज देन पार्ट ऑफ वर्क इन वन डे। अगर एन डेज में पूरा काम हो रहा है तो वन डेज में वन बाय एनथ काम होगा, और आप टेबल बना के भी इसको कर सकते हो क्योंकि ये डायरेक्ट है। अब अगला मुझे बताएगी जीवांशी। फोर्थ, सर, इट्स आंसर शुड बी एन डेज। ए वन डे में वन बाय एन करता है तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? एन डेज में होगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे काम भी तो बढ़ेगा। हाँ जी, ये थर्ड जैसा है, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया ना क्वेश्चन। वन डे में वन बाय एन काम होता है तो पूरा काम होने में वन बाय एन का रिवर्स क्या होगा, बोलो बेटा? एन, जैसे एक बंदा, ठीक है, एक दिन में 1/10 काम करता है तो पूरा काम 10 डेज में नहीं करेगा वो। 1/10 होता है 10%, 100% करने के लिए 10 डेज। अब आया समझ? हाँ जी जीवांशी, ओके गुड, वेरी गुड। अब अगला कौन बताएगा? फिफ्थ, फिफ्थ मुझे बताने वाला है रिद्धि सिद्धि में से सिद्धि शुक्ला। बताइए फिफ्थ, फिफ्थ। हाँ जी सिद्धि से पढ़ो फिफ्थ बेटा। इफ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी ब्रिंग्स अबाउट कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अनदर, तो डायरेक्टली या इनवर्सली बेटा? हाँ जी बताओ सिद्धि। इनवर्सली इनवर्सली ये बताया था ना मैंने, क्या बताया था? एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है? कम। या एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, तो क्या होगा? इनवर्स रिलेशन, इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है? ठीक है, क्लियर है सबको? ओके नेक्स्ट कौन बताने वाला है आप? हाँ जी एक मिनट रुको, नेक्स्ट बताने वाला है, नेक्स्ट बताने वाला है मुझे 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 मानसी। बताओ सिक्स्थ। बताओ, इनवर्स वेरिएशन स्पीड इज मोर देन टाइम टू कवर ए फिक्स डिस्टेंस। फिक्स डिस्टेंस है तो बेटा ये कैसा वेरिएशन है? इनवर्स इनवर्स वेरिएशन क्यों है? एक एग्जांपल थोड़ा सा बता सकते हो? जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो फिक्स डिस्टेंस के लिए टाइम कम होगा। जैसे अगर मैं कहूं बेटा 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड 50 है, तो कितने आस लगेंगे बताओ? 2 आवर्स। जैसे अगर मैंने स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कर दी तो कितने घंटे लगेंगे बेटा? 1 आवर। जैसे स्पीड डबल हुई तो टाइम कम हो गया ना, हाफ हो गया उस 100 किलोमीटर। तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर फॉर ए फिक्स डिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताने वाला है निधि। सेवेंथ, बताओ बेटा जल्दी जल्दी बताओ, टाइम मेरे पास बहुत कम है। सर। ऑप्शन डी, टाइम टेकन विल बी लेस इफ नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज टू कंप्लीट द सेम वर्क। हाँ, तो नोट ए केस पूछा हुआ है, नोट ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। बाकी सारे इसका मतलब डायरेक्ट वेरिएशन है, ए बी सी ऑप्शन। सिर्फ ये इनवर्स वाला है, क्यों? अगर बेटा काम फिक्स होगा, जैसे जैसे पर्संस बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, है ना? यही बताया था, इट्स ए केस ऑफ इनवर्स। तो डायरेक्ट, पहली तीन ऑप्शन डायरेक्ट है। देखो शीट्स बढ़ेंगी तो वेट भी बढ़ेगा,
पेट्रोल बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, फीस कलेक्टेड होगी तो इसका मतलब स्टूडेंट्स भी ज्यादा है ना, क्लियर है ये बात? हाँ जी ओके। किसी को बच्चे से मैं दोबारा भी पूछ सकता हूँ? दीप, पहले तो मुझे बताइए आप 8th का आंसर। हाँ जी दीप की बारी है, दीप मुझे दिखाई दे रहा है बाकी। हाँ बताओ दीप 8th। Yes, sir. Answer will be if the length of radius is increased, the circumference will be increased. यस Sir, as the radius will increase, the circumference of the circle will also increase. हाँ, सर्कल की बात हो रही है, ठीक है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है, तो ये Yes. डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। डायरेक्ट वेरिएशन को और क्या बोलते हैं बताओ? डायरेक्ट वेरिएशन को और क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर है ये बात? ओके अब माही बताएगी 9th क्वेश्चन। माही हाँ जी बताइए। माही को अनम्यूट नहीं किया मैंने। हाँ जी माही बताइए बेटा। ये लो मैंने अनम्यूट कर रखा है आपको, आप शायद हो नहीं पा रहे। करो बेटा अनम्यूट करो माही। पहले यस तो ये बताओ सर, ये एक्स और ये वेरिएशन का सिंबल रिवाइज का मतलब क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक प्रोपोर्शनल. है। सो द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन वी आर गिवन, आंसर वुड बी 84. 84 होगा बिल्कुल, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है हमारा फिक्स होता है, मतलब x1 जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो 5/210 का जो रेशियो होगा वो सेम होगा ना 2/y2 के। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो 42 × 2 = 84 आ गया, y2 की वैल्यू 84 आ गई, ठीक है, डन हो गया। ओके अब कौन बताने जा रहा है? ठीक है रुको रुको रुको, घबराओ मत, घबराना नहीं है किसी बच्चे ने बिल्कुल भी। तो आरजू बताओगे नेक्स्ट? बताओ बेटा शाबाश, घबराना नहीं है। 10th का आंसर बताओ क्या होगा? ठीक है पहले मुझे ये बताओ बेटा आरजू, ये डायरेक्ट का केस है या इनवर्स का है? 12 वर्कर्स 50 आवर्स में एक काम को करते हैं, जैसे जैसे वर्कर बढ़ेंगे तो आवर्स क्या होंगे बेटा? कम होंगे ना आरजू, ठीक है, तो 12 वर्कर्स 50 आवर्स में करते हैं, यहाँ पे वर्कर्स यहाँ पे आवर्स, ठीक है बेटा। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड? वर्कर्स हमें निकालने हैं, ठीक है, और 40 आवर्स में ही काम करना है। आरजू ये डायरेक्ट है या इनवर्स है पहले तो ये बताओ, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ जी आरजू बताइए। अनम्यूट कर दिया मैंने, इट्स ए केस ऑफ इनवर्स ना, क्योंकि जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? आवर्स टाइम कम लगे, तो इनवर्स वेरिएशन में मैंने आपको क्या बताया, इसको वेरिएबल एक्स दे देता हूँ, इसको वाई दे देता हूँ। एक्स इंटू वाई क्या होता है बेटा इनवर्स में? कांस्टेंट होता है, तो 12 × 50 क्या हुआ बेटा? 600, और क्वेश्चन मार्क को मैं x2 लेट कर लेता हूँ, x2 × 40, तो ये 15 पे कैंसल आउट होके बेटा x2 की वैल्यू क्या आएगी? 15 आवर्स, ठीक है, 15 वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स निकालने हैं हमें, आवर्स तो हमें दे रखे हैं ना, कितने दे रखे हैं? 40 दे रखे। अब जल्दी से आ जाते हैं आगे के लिए, बस हमारी टाइम ओवर होने वाला है, बच्चे नेक्स्ट क्लास के भी आ चुके हैं। ओके हाँ जी कौन रह गया था? एक तो बच्चे आ गए हैं, कौन बताएगा कौन रह गया? मुझे मैसेज करो जिससे मैंने नहीं पूछा अभी तक। सिद्धि शुक्ला, ओके सिद्धि कहाँ है? सिद्धि आ जाओ एक बार, रिद्धि तो दिखाई दे रही है, सिद्धि मुझे दिखाई नहीं दे रही। हाँ चलो सिद्धि बताओ 11th का आंसर क्या होना चाहिए? अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। पहले 11th का आंसर 758. तो बताओ शीट्स एंड वेट इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सर, शीट्स बढ़ेंगी तो वेट बढ़ेगा या कम होगा? सर डायरेक्टली, कम होंगी, सो डायरेक्टली सर, डायरेक्टली. शीट्स एंड वेट, शीट्स 12 शीट्स। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो जैसे 6th 7th में किया, लेकिन हमें कैसे करके दिखाना है, क्योंकि हम 8th क्लास में हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा ना बेटा। तो 12 शीट्स बेटा, वेट कितना है उनका? 40 ग्राम। हाउ मेनी शीट्स? मतलब आपको x2 निकालना है, यू हैव टू फाइंड यस
और दिन का वेट कितना हो बेटा, 2500 ग्राम हो, यस और नो? तो यस सर। जब डायरेक्ट रेशियो होता है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू। वाई टू की वैल्यू तो हमें 2500 ग्राम दी हुई है ना, शीट्स निकालनी है, एक्स टू निकालना है। इसको सॉल्व करके बेटा कितना आया, 4 3 7 50 आ गया। आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन सिर्फ आंसर के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट की भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, ओके, आज का फिर लास्ट क्वेश्चन कौन बताने वाला है, मुझे मैसेज करो। हाँ जी, कौन बताने वाला है, जो रह भी गया उनसे पूछ लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। चलो मानसी बता देगी। एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली, देन यू देन यूजिंग फॉलोइंग टेबल, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर वाई 10। तो हमें y की वैल्यू 10 के लिए x की वैल्यू बतानी है। बताओ बेटा क्या होगी, बताओ। मैंने अनम्यूट कर दिया मानसी। 15। हाँ, क्यों? क्योंकि इनवर्सली है, इनवर्सली में प्रोडक्ट फिक्स रहता है, एक्स वाई फिक्स रहता है ना, कॉन्स्टेंट रहता ना एक्स। तो 5 × 30 150 आ रहा है बेटा, तो 10 × क्या 150 आएगा, बोलो 15 ही आएगा। ठीक है जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं इस क्लास की, अब सबको ही अनम्यूट कर देते हैं हम। तो वेरी गुड एवरीवन, आप सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो